फ्लिपकार्ट वाले भी आ गए थे, कुछ पार्सल था मेरा जा रहे लेने। कितना हो भैया? 526। चेंज है ना आपके पास? ले लीजिए। गाइस हम आ गए हैं इधर मार्केट में, मतलब मार्केट क्या जा रहे हैं, मार्केट ही समझो। और मैंने ब्लाउज ले लिया है और जो हमारा पार्सल था वो भी अब जा रहे हैं हम देने, सिलने को, क्योंकि गांव जाना है। तो आप सबको पता है गांव जाएंगे तो भाई साड़ी वाड़ी पहनना होता है, तो इसके लिए ब्लाउज हम जा रहे हैं सिलवाने। और हमने सोनाक्षी को भी बुला लिया, हमका चलिए सोनाक्षी भी रहेगी तो अच्छा लगेगा अकेले, हमें उतना कुछ यहाँ पे पता नहीं है। बंद है? बंद है? ओहो यही था ना। तो गाइस हम आए यहाँ पे, दुकान भी बंद है, अब क्या करें। तो गाइस दुकान बंद था, अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ मुझे दलिया वगैरह लेना है प्लास्टिक का, सब्जी उब्जी काटने के लिए, रखने के लिए। आगे मिल जाएगा? आगे मिल जाएगा। हाँ तो आगे ही जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट से अपने घर चले जाएंगे। हम आ गए हैं इधर डलिया वलिया डिब्बे की दुकान पे, प्लास्टिक के, देख रहे हैं कौन सा ले कौन सा नहीं। और अंकल उधर निकाल रहे हैं। गाइस आपने देखा था फ्लिपकार्ट से मैंने जो मंगाया था, ये है बेबी डेंगरी जो कि ब्लू कलर का है, बहुत ही अच्छा है। और आप लोग खुद ही देख लो, मैं ओपन कर रही हूँ। और इधर सोनाक्षी भी हमारे साथ आई है, तो सोनाक्षी को हमने फ्रूटी और क्या बोलते हैं मिक्सचर लाइट नमकीन दिला दिया, बहुत अच्छा लगता है हमें। और मैं ऊपर से वॉइस इसलिए डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, और आपको पता है हमने बताया ही है ऊपर रूम बन रहा है ना, तो इसके लिए सीमेंट बालू सरिया वगैरह लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, प्लस ऊपर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आता है ईंट वगैरह का धम धम करके, इसलिए मैं ऊपर से वॉइस डाल रही हूँ। और कैसा है कैसा नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हुजरी कपड़ा है, बहुत ही कंफर्टेबल लगा, और उसमें क्या बोलते हैं सॉक्स वगैरह बना हुआ है, अलग से आपको नहीं पहनाना है, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, बच्चे के लिए तो एकदम आरामदायक ही कपड़ा लेना चाहिए। फाइनली गाइस हम मार्केट गए हुए थे और ब्लाउज वाले का भैया का जो शॉप था वो बंद था, तो हम वापस आ गए। वैसे तो डलिया वगैरह लेना था बट काम नहीं हुआ, तो हम सोचे उधर से रिटर्न हो रहे तो शॉर्टकट गली से आ जाते हैं डलिया वगैरह लेके। और इधर काम वगैरह चला है, भैया लोग देखिए सरिया वगैरह ईंट वगैरह सब दिन भर लेके आते जाते रहते हैं, शोर शराबा होता रहता है। तो यही सब है गाइस। और कपड़ा कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है तो मैं एक दो और मंगाऊं, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, वैसे तो डायपर पहने रहती है बट फिर भी एक होता है ना हमेशा अपने कैरी बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़ा डायपर हैंकी मतलब अपना रखना चाहिए, और कैप वगैरह बच्चे का जो भी है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी एक मंगा लूँगी। और इसके पापा जी गए ड्यूटी, वो आएंगे आज रात में, बहुत शोर हो रहा है तो वो शाम को ड्यूटी गए तो आएंगे रात में। और सोनाक्षी गई है वॉशरूम में, सोनाक्षी और गाइस कपड़े भी इधर हैं, कपड़े भी हमें डालने हैं, तो चलते हैं कपड़े वगैरह भी डाल लेते हैं और पानी वगैरह भी भर के लगाना है। तो गाइस लेकिन ना बहुत ना बुरा हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ कि आज इसके पापा मेरे कहने से नाइट ड्यूटी किए, तो वैसे तो डे नाइट दोनों करते हैं लेकिन आज मेरे कहने से वो बेचारे शाम को ड्यूटी किए, क्योंकि मैं ताकि घर का काम जो बाकी है वो सारा काम निपटा सकूँ, का सारा काम कर सकूँ, इसलिए मैं मुझे ब्लाउज देना था, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप 4 बजे का आज ड्यूटी कर लीजिए, तो उन्होंने 4 बजे का किया, तो लेकिन फिर मेरा काम रुक गया ना, इसके लिए मैं मेरा ब्लाउज़ नहीं सिला, छुट्टी लेने का कोई मतलब सॉरी शाम की ड्यूटी करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो बेबी देखते हैं तो मैं जाती हूँ बाहर और वो बाहर जाते हैं तो मैं बच्चे को देखती हूँ, तो ऐसा होता है। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सो गाइस शाम का टाइम हो गया है और सोनाक्षी गई अपने घर, क्योंकि उसके घर पे कोई गेस्ट आने वाले थे, मुझे नहीं पता कि कौन आने वाला है लेकिन हाँ कोई गेस्ट आने वाले थे। और मैंने आज चोटी कर रखा है क्योंकि इन्होंने बोला कि बाल ना तुम ना मतलब चोटी किया करो अच्छा लगता है, तो मुझे ना वैसे चोटी उतना नहीं पसंद है लेकिन फिर भी मैंने कर लिया है, चोटी करने से सारा बाल जो है कवर हो जाता है, तो ये रही मेरी चोटी। और लाडो हमारी सो रही है, तो जब से सो रही है तो चलते हैं दोस्तों। मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े धो रखे थे तो कपड़े भी थोड़ा डाल लेते हैं सूखने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैंने डाला नहीं, क्योंकि पानी जब ठंड जाता है उसके बाद ही कपड़ा डालते हैं। इधर कपड़ा आप लोग देख सकते हैं मैंने धो के रख दिया है और मैं जा रही हूँ डालने।
तो दोस्तों मौसम ना बहुत अच्छा मौसम है, मतलब बदरी था, फिर धूप था, थोड़ा बदरी थोड़ा धूप, ऐसे ही था। तो अब चलते हैं, शाम का टाइम हो गया, कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी लेट से, मतलब काफ़ी लेट में कपड़े धोए मैंने। बच्चे हैं पता है, बच्चे उठ जाते हैं तो बीच बीच में बच्चे को भी देखना होता है, बीच बीच में फिट कराना, मालिश करना, यही सब होता है। और जब से सो रही तब से हम चलते काम कर लेते हैं। और कपड़े वगैरह भी मैंने जो सूखे हुए थे अभी फोल्ड नहीं किए, इधर कपड़े भी रखे हुए हैं, चलते हैं फोल्ड कर देते हैं दोस्तों। और सो गाइस, कपड़े वगैरह हमारे फोल्ड हो गए हैं, और इधर लाडो रानी हमारी खेल रही हैं। लाडो हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो बेटू। लाडो अभी हमारी नहीं बोलेगी क्योंकि वो अभी नहीं बोलती है, हाँ थोड़ा बहुत हाँ ऐसे ऐसे बोलती है थोड़ा बहुत, लाडो ओ लाडो, तो ऐसे थोड़ा बहुत बोलती है। तो गाइस, और पता है हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये जो हाँ हूँ आ वो बोलती है ना, इससे हमारा बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और मैं तो परेशान हूँ अभी से, इतना ज़्यादा बाल वगैरह झड़ रहे हैं। बोला जाता है कि जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो बाल वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं, इसके लिए हमारा बाल अभी से झड़ने लगा है दोस्तों। और वही मैं सोच रही थी, जब बच्चा जब मेरा पूरा बोलने लगेगी, मम्मा पापा स्टार्ट, अभी तो स्टार्ट किए इतना हेयर फॉल हो रहा है, और जब पूरा बोलने लगेगी तब पता नहीं क्या होगा। बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बाल झड़ता है, और एक बीच में, मतलब बच्चे वही 6 से 7 महीने में जब थोड़ा थोड़ा बोलना थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं तब, और एक साल के लगभग होते हैं तब ना। लाडो ओ लाडो, लाडो बेटू। तो गाइस अभी ये पॉटी भी कर दी थी, तो मैंने पॉटी साफ किया इसके, फिर उसके बाद पॉटी साफ करने के बाद ये देखिए कितनी खुश है बेटू, नज़र ना लगे ना बेटू आपको, आज संडे है, क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों कि सबसे पहले माँ बाप को नज़र बहुत जल्दी लगता है, इसके लिए लड्डू ओ मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू ओ मेरा लड्डू, कैसे देख रही है बातें ना, आप सबको पता है बातें बड़े ध्यान से सुनती है। ओ अरे बाप रे, गुस्से में क्यों गुस्सा कर रही हो बेटू, मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो या हमारी फैमिली पे गुस्सा कर रही हो, ऐसे गुस्सा नहीं करते, आप गुस्सा करोगे तो ये लोग प्यार नहीं करेंगे आपको ना। देखो कैसे सुन रही है बातें, बातें बहुत सुनती है, और बोलते हैं लड़कियां बहुत होशियार होती हैं। हो बेटा बता दो तो, ओ आपका अंडरवियर दिख रहा है, ढक लो ढक लो ढक लो, सब देख लेगा बेटू अंडरवियर आपका। तो गाइस ऐसा ही है हमारा दिन, हमारी बेटी के साथ हमारा टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि आप ऐसा मत बोलिए वैसा मत बोलिए, मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया था, शायद जो माँ होंगी तो वो समझ सकती हैं कि जब गुस्सा आता है बच्चे को, लोग गुस्से में नहीं बोल देते हैं, कभी कभी बहुत कुछ बोल देते हैं, बच्चे को डांट देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो डांट देते हैं तो दुश्मन थोड़ी हैं, माँ बाप हैं, वही प्यार करेंगे वही डांटेंगे। तो मैंने भी ऐसे कुछ कर दिया था, बट आप लोग बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव ले लिए कि अरे ऐसे मतलब ऐसे बोलना था तो पहले क्यों करती ये वो। तो आप लोग इतना एडवांस मत बोलिए, इतना एडवांस मत सोचिए, जितना पता है ना, बोलते हैं जहाँ लड़ाई होता है वहाँ प्यार होता है, तो जहाँ डांट है बच्चे का, जहाँ डांटते हैं वहाँ प्यार भी है। बेटू ढक लो अंडर वियर, ठंडा लग रहा है ना बेटा। तो ऐसे है, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा ले लिए, इस बात को सीरियस ले लिए कि पूछो ही मत। चलो कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग सोच होती है, अपनी अपनी सोच होती है, तो यही सब है। और जब से हमारी लाडो रानी हुई है तो गाइस टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, कब सुबह होता है, कब शाम होता है, कब दोपहर होता है ना लाडो ओ लाडो। तो बस ऐसे ही टाइम बीत जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो भगवान ने हमें एक क्यूट सी प्यारी सी लड्डू गोपाल मुझे एक बेटी दे दी है, और लड़कियां बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट होती है ना बेटू बेटू। तो इसीलिए मेरा दोस्तों पता है टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और शादी से, सॉरी बच्चे होने से पहले क्या था ना,
यार अभी 12 बज रहा है यार, अभी 1 बज रहा है यार, अभी 2 बज रहा है, ऐसे ऐसे हम सोचते थे, मेरा टाइम ही नहीं पास होता था, कब 2 बजेगा कब 3 बजेगा ऐसे सोचते थे। हाँ अब तो भैया कब सुबह होता है कब शाम होता है कब रात होता है पता ही नहीं चलता है ना लाडो। तो गाइस भगवान करे हमारी लाडो रानी बहुत जल्द बड़ी हो जाए और आप लोग से बातें करें और मुझसे भी बातें करें, है कि नहीं। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अच्छे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बोलो बेटा, बोलो बाय, बाय बोलो। तो नहीं बोलेगी, चलिए अविका की तरफ से हम बोल देते हैं बाय बाय।